तो भाई रिव्यू करेंगे मूवी द केरला स्टोरी की। यार सबसे पहले तो मैं आदा शर्मा की परफॉर्मेंस की बात करूंगा, नहीं तो पाप लगेगा यार, क्योंकि बंदी ने एकदम से दिल छू लिया भाई, एकदम से दिल छू लिया यार। उसकी फिल्मी करियर की सबसे बेस्ट एक्टिंग यहाँ पे देखने को मिलता है यार। मतलब आपको फिल्म में, फिल्म शुरू होते ही आखिर तक आदा शर्मा का ही जलवा देखने को मिलता है। कई सारे किरदार में उसे देखने को मिलता है, जो कि हर एक किरदार में वो आपको इमोशनली कनेक्ट करके रखती है, पूरा का पूरा फिल्म में बांध के रखती है। उसको देख करके मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि इस लेवल की एक्टिंग है भाई। देखिए फिल्म की स्टोरी अगर बात करें तो आपको तो पहले से ही पता है कि ये केरला की बहुत सारी पीड़ित लड़कियों की कहानी है, जो कैसे जिहादी में, कैसे मतलब आईएसआईएस में जुड़ करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिए थे, उसके ऊपर बेस्ड है। और उस तरह से मतलब फिल्म को जिस तरह से दिखाया गया है ना भाई, तीन सिरे से दिखाया जाता है कि आदा शर्मा मतलब शालिनी, जो फातिमा नाम करके बाद में उसका मतलब जब मुसलमान होने के बाद फातिमा नाम किया जाता है, तो वहाँ पे वो बच करके कैसे आती है वो एक सिरा होता है, और जब वो मुसलमान बन जाती है वो एक सिरा होता है, और कैसे मुसलमान बनती है, उसकी ब्रेन वॉश कैसे होता है, वो सारा चीज़ मतलब तीन सिरे से फिल्म को दिखाया जाता है। और फिल्म को इस तरह से मतलब दिखाया गया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और मज़ा आएगा। देखिए फिल्म में आपको मतलब पोस्टर वगैरह आप देखे होंगे, ट्रेलर देखे होंगे, चार लड़कियों की स्टोरी को वहाँ पे दिखाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया वो फिल्म देखते वक्त, इसलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चार नहीं तीन लड़कियों की स्टोरी है, और उनमें से एक लड़की होती है जो कि ये तीन लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने में उसकी सबसे बड़ी हाथ होती है, और वो ही सारे फसाद की जड़ होती है यार। मतलब जिस तरह से डिस्कशन होता है ना वहाँ पे हमारे हिंदू धर्म के भगवान लोगों के ऊपर, मुसलमान के भगवान अल्लाह के ऊपर, मतलब ये सारा चीज़ का डिस्कशन देख करके आपको इतना गुस्सा आएगा कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से मतलब किसी मतलब धर्म को बदला जाता है, हिंदू से मुसलमान किया जाता है यार। ये सारा चीज़ को, ये सारा डिस्कशन को देख करके ना आपको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है ना, बहुत गुस्सा आएगा। और ये रियल है बोलकर के आपको बहुत गुस्सा आएगा, फिल्म है बोलकर के आपको खुशी मिलेगी कि इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, इसलिए आपको इतना गुस्सा आ रहा है। भाई देखो फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह है, मतलब इस तरह की ब्रूटेलिंग है। अगर वो लोग किसी को टारगेट कर देते हैं, है ना, किसी को टारगेट कर देते हैं मुसलमान बनाने का, सीरिया भेजने का, आईएसआईएस में जोड़ने का टारगेट कर देते हैं, तो वो उसको जैसे करके भी लेके जाएंगे, वो उसकी बात माने ना माने जो भी हो। इसमें तीन लड़कियों की कहानी के ऊपर दिखाया गया है, जो उसकी उनकी बात वो मान जाती है, फिर भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो कुछ कुछ हद तक मानती है, फिर अपनी ज़िंदगी पे वो फिर मूव ऑन करना चाहती है, फिर लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। और वो शुरू से एक और लड़की होती है जो कि शुरू से मतलब सबको अवॉइड करती रहती है, सबको मतलब किसी की बात नहीं मानती है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मतलब यहाँ पे ये समझ में आ जाता है कि वो लोग अगर किसी को टारगेट कर देते हैं ना कि इसको मुसलमान बनाना है, और इसको शिकार मतलब उसके शिकार में वो पड़ जाते हैं, ठीक है ना, और उसको आईएसआईएस में भेजना है, सीरिया भेजना है, अगर वो लोग टारगेट कर देंगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है दोस्त, उसकी ज़िंदगी बर्बाद है यार। फिल्म में इतनी ब्रूटेलिंग दिखाया गया है, इतना सब कुछ दिखाया गया है ना, मतलब कौन है, मैं सोचता हूँ कि कौन है जो प्रोपेगेंडा के नाम पे इस फिल्म को बदनाम कर रहे थे यार। ऐसी फिल्में आनी चाहिए, लोगों के पास पहुँचनी चाहिए यार। कानून क्या करेगा, क्या एक्शन लेगा, क्या रिएक्शन होगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक अवेयरनेस तो होगा ना, एक अवेयरनेस होगा कि मतलब ब्रेन वॉश कैसे होता है, कहाँ से शुरू होती है ये सारी चीज़ें, कैसे मतलब लड़कियाँ फंस रही हैं ऐसे चंगुल में, ये सारी चीज़ को लेकर के एक अवेयरनेस तो आएगा, ताकि इस तरह का शिकार आगे चल करके कोई ना हो यार। इस फिल्म को प्यार दो, सपोर्ट दो, और इस फिल्म को आगे लेके जाओ, ताकि हर एक मतलब सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, सबके पास ये फिल्म पहुँचनी चाहिए यार। मुझे तो देख करके मुझे ऐसा वाइब्स हुआ कि नहीं, ये प्रोपोगेंडा नहीं है बल्कि एक अवेयरनेस है, हम ये सोचेंगे, ठीक है ना। और ये फिल्म की प्रमोशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए यार, और सबके पास पहुंचनी चाहिए, लेकिन क्या ही करें, थिएटर का हालत कुछ ऐसा ही था जो मैंने आपको दिखाया। देखो ऐसा ही करते हैं यार, जैसे कि मैंने वो अपनी पिछली वीडियो में बता रहा था आप लोगों को कि यार कुछ लोग सपोर्ट करते हैं बस कमेंट में, और सिर्फ बोल करके, लेकिन थिएटर नहीं पहुँचते,
बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कितने लोग इसके इसके पीछे भागे थे, मुझे तो कितने सारे कमेंट आए थे कि इसके ऊपर क्यों वीडियो नहीं बना रहे, क्यों नहीं सपोर्ट करो सपोर्ट करो। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट किधर है यार? सपोर्ट तभी होगा जब आप थिएटर जाओगे, थिएटर में फिल्म बूस्ट होगा, सबके पास पहुंचेगा, एक अवेयरनेस क्रिएट होगा और सब लोग जानेंगे ये दिल दहलाती कहानी, तभी सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैं दिल से गुजारिश करता हूँ, आप सभी को रेकमेंड करता हूँ कि आप जाओ और ये शो एक दफ़ा देख के आओ, ये फिल्म देख के आओ कि ये प्रोपोगेंडा है या फिर एक अवेयरनेस है, आपको समझ में आ जाएगा यार। मेरा तो दिल खुश हो गया और ये ब्रूटेलिंग को देख करके जो गुस्सा आया मुझे, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत खतरनाक लगा। बहुत गर्मी है यार, क्या करूँ, ऐसी वैसी तो है नहीं, गरीब यूट्यूबर नहीं। चलो तो यार रेटिंग की क्या बात करें, ऐसी फिल्म को रेटिंग देने की औकात हम नहीं रखते यार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।